अब बात करेंगे बजट सत्र की अवधि को लेकर जो उठ रहे हैं सवाल उनकी, क्योंकि ये सवाल कोई और नहीं बल्कि विपक्ष उठा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि आने वाले बजट सत्र में सरकार को घेरने की पूरी रणनीति वो बनाने जा रहे हैं और इसकी एक बानगी पहले देखी भी जा चुकी है। फिलहाल तो जो बड़ा मुद्दा है वो बजट सत्र की अवधि को लेकर है। अब जितने दिन का बजट सत्र होना चाहिए वो विपक्ष के मुताबिक तो कभी होता ही नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी जानती है कि इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जा सकता है। तो शुरुआती तौर पर यही एक बात कहते नजर आए हैं कांग्रेस पार्टी और उनके नेता। तो ऐसे में आपको जानकारी भी हम देना चाहते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर सियासी हमला बोला, जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में मुद्दे सारे समाहित बिल्कुल नहीं हो सकते। करण महारा कह रहे एक और बात कही, गैरसैंण के मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है सरकार, ये उन्होंने कहा। गैरसैंण में नहीं होता सरकार का कोई भी काम, ये भी करण महारा कहते नजर आए हैं, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के। अब उनकी ओर से ये बात कही गई तो जाहिर तौर पर इतना अपमान कर चलिए कि इसका जवाब बीजेपी जरूर देने वाली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने गैरसैंण का मुद्दा भी बहुत बार उठाया है और गैरसैंण के मुद्दे के हिसाब से ही कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि सरकार का हिसाब किताब फिलहाल के दौर में किया जा सकता है, क्योंकि गैरसैंण का मुद्दा एक भावनात्मक मुद्दा है, लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी की ओर से मुद्दा बार बार उठाया जाता है। लेकिन फिलहाल बजट सत्र की अवधि का भी मुद्दा उठाया गया है, सुन लेते हैं कहा क्या गया। सारे तमाम मुद्दे उठने के लिए 6 दिन बहुत कम है। हमारा ये मानना है कि सत्र अगर लंबा चलेगा तो विधायक की मजबूत होगी और विधायक का जब मजबूत होती है तो लाल फीताशाही कमज़ोर होती है। इस समय मुख्यमंत्री का बयान कि तेरी फाइल मेरी फाइल के झगड़े खत्म करो, इस बात का संकेत है कि प्रदेश में लाल फीताशाही हावी हो गई है और इस लाल फीताशाही को कम करने का एक ही तरीका है, लंबा सत्र जिसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो अधिकारी और कर्मचारी की और सरकार की। लेकिन सरकार लगातार बच रही है कहीं VIP का नाम सामने ना आ जाए, कहीं उस सफेदपोश नेता का नाम सामने ना आ जाए जो हाकम सिंह और इनके मंडल अध्यक्ष का संरक्षक है। और एस राजू ने जो कहा है कि सफेदपोश नेता मुझे जांच से रोक रहे हैं, वो बात कहीं खुल ना जाए, इस डर से सरकार सत्र लंबा नहीं चलाना चाहती है, जो बहुत गंभीर है। दूसरा, आप ही के प्रश्न पर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। इन्होंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, 2.5 साल में पहला सत्र हो रहा है, 1 दिन का सत्र नहीं चला 2.5 साल में। और अगर वाकई में इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बना रहे हैं और लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक रहे हैं तो इनको सरकारी कार्य वहाँ से करना चाहिए। मुख्यमंत्री वहाँ रहे, मुख्य सचिव वहाँ रहे, विधानसभा के अध्यक्ष जी वहाँ रहें, वहाँ सारे कर्मचारी और अधिकारी रहे। अभी फिलहाल हमारे साथ नासिर हुसैन हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी भी हासिल करते हैं कि क्यों इस मुद्दे पर इतनी बार राजनीति होती है और आज तक भी हो रही है। नासिर, सबसे पहले गैरसैंण के मुद्दे की मैं बात करना चाहूंगा, उसके बाद बजट सत्र की अवधि पर भी हम बात करेंगे। गैरसैंण का मुद्दा हम जानते हैं भावनात्मक मुद्दा है, लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि 2.5 साल में 1 दिन का भी सेशन नहीं किया गया, ग्रीष्मकालीन राजधानी बताते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मौका खुद सरकार दे रही है कि कांग्रेस पार्टी को ये मौका दिया जाए कि वो गैरसैंण की तरफ देख नहीं रहे, या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की रणनीति आपको दिखाई देती है? नासिर, देखिए कमल, जब से राजधानी गैरसैंण बनी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी उसको बनाया गया है, तभी से लेकर अब तक एक भी सत्र वहां पर आयोजित नहीं किया गया। जाहिर तौर पर ये कांग्रेस के हाथ एक मुद्दा लग गया है और कांग्रेस इसको भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। और ये सवाल अहम भी है कि आखिरकार क्यों राजधानी बनाया गया था, ग्रीष्मकालीन राजधानी क्यों बनाया गया था गैरसैंण को। उसका कारण यही था कि जो भी गर्मियों के सत्र होंगे, गर्मियों के जो कामकाज होंगे, वो सीधे गैरसैंण से संचालित किए जाएंगे। लेकिन अभी तक एक भी सत्र वहां से आयोजित नहीं किया गया, जो सत्र वहां आयोजित होने चाहिए थे वो भी देहरादून में आयोजित किए गए। तो ऐसे में कांग्रेस के पास भी एक मौका कांग्रेस के हाथ आया है और उस मौके को भला कांग्रेस कैसे छोड़ सकती थी, सवाल उठाना लाजमी है और जरूरी भी है, क्योंकि किसी भी जगह को अगर राजधानी घोषित किया जाता है तो करोड़ों रुपए का खर्च वहां पर होता है और अगर उसका उस पर्पज से इस्तेमाल ना हो सके जिसके लिए जिस उद्देश्य के साथ राजधानी बनाया गया था तो उसका कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस भी सवाल पूछेगी, जनता भी सवाल पूछेगी। लाल फीताशाही के आरोप भी लगाए गए हैं कि हावी सरकार पर, ये क्यों कहा जा रहा है? देखिए, लाल फीताशाही के जो आरोप लग रहे हैं उसका कारण यही है
जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मारा, वो पहले भी इस बात को लेकर के सवाल उठा चुके हैं कि जो काम जिस तरीके से अधिकारियों पर लगाम रखनी चाहिए थी, अधिकारी जिस तरीके से सरकार के कहने में काम अधिकारी को करना चाहिए था वैसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार उनके मशवरे से चल रही है, यानी अधिकारियों के मशवरे से चल रही है और उन्हीं से पूछा जाता है कि किस तरह के काम काज हो, तो विधायकी का कोई असर नजर नहीं आ रहा है, उनका साफ तौर पर कहना है। और इसका कारण यही है क्योंकि उनसे उस तरीके से काम नहीं लिया जा रहा है जैसे काम लिया जाना चाहिए था, और इसी वजह से जनता परेशान है और इस तरह के सवाल लगातार करण मारा और कांग्रेस के तमाम नेता पहले से ही उठाते रहे। उत्तराखंड के बजट सेशन की अवधि को लेकर भी अब सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार से। करण मारा ये मानते हैं कि ये तो बहुत छोटी अवधि है, ऐसा क्यों? आखिर कितने दिन की अवधि चाहती है कांग्रेस पार्टी की? इतने दिन का सत्र होना चाहिए था। देखिए, जो भी सत्र आयोजित किया जाता है उसके जो समय तय होता है उस समय तक वो सत्र नहीं चलता है। पहले कई बार ऐसा हो चुका है, इससे पहले वाला जो सत्र आयोजित किया गया था उसमें भी 5 दिन का समय रखा गया था लेकिन वो 3 दिन में ही समाप्त कर दिया गया था। तो चाहे तो आपका कांग्रेस का सवाल उठाना लाजमी है और कांग्रेस सवाल उठाती रही है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि अगर सत्र ज्यादा चलेगा तो जाहिर तौर पर वहां से जो सवाल उठेंगे, वहां से जो निर्देश जारी होंगे उसके कहना। गरिमा जी हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़ चुकी है उत्तराखंड से, उनसे हम जरूर चर्चा करना चाहेंगे इस मसले पर। आप हमारे साथ जुड़े रहिए नासिर। गरिमा जी, एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरने का प्रयास किया है और जाहिर तौर पर विपक्ष अपना काम कर रहा है और करना भी चाहिए, लेकिन बजट सत्र को लेकर आपने क्या रणनीति बनाई है? क्योंकि करण महाराज जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका साफ तौर पर कहना है कि बजट सत्र की अवधि बहुत कम है। ऐसे कौन से आपके मुद्दे हैं जो इस छोटी अवधि में नहीं उठाए जाएंगे आपकी ओर से या नहीं आप उठा पाएंगे? पार्टी कांग्रेस पार्टी हमेशा वंचितों के संग, शोषितों के साथ और कम आय वालों के साथ और जो कमजोर लोग हैं समाज के, दबे कुचले वर्ग हैं, उनके साथ खड़ी रहती है। हम तो बजट सत्र से यही उम्मीद रखेंगे कि आपने आय तो किसानों की दुगनी करने की बात कही थी लेकिन 10 गुना ज्यादा या 20 गुना ज्यादा आए तो आपने अडानी जी की कर दी, यानी कि वादा किसी से करते हैं आप, आय किसी की बढ़ाते हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि 27 रुपये प्रतिदिन कमाने वाला किसान, उसकी आमदनी में आप इजाफा करें, आप व्यापारियों को राहत दें, आपका बजट ऐसा हो जो व्यापारियों को राहत दे सके, क्योंकि हमारा टूरिज्म प्रधान प्रदेश है। जी जी। तो टूरिज्म प्रधान प्रदेश में हम टैक्सी मैक्सी चालक हैं, होटल व्यवसायी हैं, तमाम जो लोग टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए थोड़ा राहत की अपेक्षा करेंगे। कोरोना, फिर उसके बाद महंगाई की मार, उसके बाद बेरोजगारी की मार, तो चौतरफा मार से इस वक्त आम आदमी त्रस्त है। जी जी। तो हमारा डेफिनेटली महाराज जी जो हमारे माननीय अध्यक्ष है उनका कहना बिल्कुल सही है कि आप इतनी दूर लाभ लश्कर लेके जाएंगे, गैरसैंण जाएंगे और मात्र 2 दिन में वापस भी आ जाएंगे। अच्छा। ये तो कोई बात नहीं हुई। आप संविधान के हिसाब से भी मिनिमम 60 डेज सालाना सत्र चलना चाहिए। जी जी। संविधान में ये साफ अंकित है कि किसी भी राज्य में 60 दिन मिनिमम सत्र चलना चाहिए। हमारे वहाँ आपको पता है एवरेज क्या आ रहा है, 16 दिन, 18 दिन, 12 दिन, 14 दिन, ऐसे एवरेज आ रहा है सालाना हमारे वहाँ सत्रों का। 3 सत्र, 4 सत्र होते हैं और सबके सब सत्र जो है वो 2 या 3 दिन में सिमट जाते हैं। ठीक है। अब तो ये जो गरिमा जी जो सवाल उठा था मैडम, जो एक सवाल उठा था उसका जवाब लेने की कोशिश की बीजेपी नेताओं से, एक बार आप हमारे साथ बने रहिए। हम कोशिश तो ये भी करें कि बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ जाएं और जो जवाब आया वो क्या है एक बार मैं दर्शकों को सुनवाना चाहता हूं। सियासत तेज है आप जानते हैं और जो बजट सत्र की अवधि है उसको लेकर कांग्रेस का अपना पक्ष है कि हम मुद्दे उठाना चाहते हैं, आप समय दीजिए, और हम तो ये जो समय मांग रहे हैं वो जनता के लिए मांग रहे हैं। लेकिन इस पर जब कांग्रेस के नेताओं के सवालों पर जवाब लिया जाता है बीजेपी के नेताओं से, उनका सीधा कहना है कि हम तो बजट ला रहे हैं और ये जो बजट होगा ये बजट जनता के हित वाला ही तो है, सरकार राज्य के नागरिकों से सुझाव भी ले रही है, ये भी कहा गया। एक बार सुनवा लेते हैं, उसके बाद फिर से गरिमा जी के साथ हम जुड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की पूर्व की घोषणा के अनुरूप बजट सत्र को गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है और सरकार के द्वारा 13 मार्च से लेकर 18 मार्च तक विधानसभा सत्र की तिथि घोषित की गई है। और जिस प्रकार से अगर विपक्ष उसको मानता है कि कम अवधि का रखा गया है तो बिजनेस के हिसाब से ही विधानसभा की सत्र की तिथियां तय की जाती हैं और उसके बीच में कार्य मंत्रालय की बैठकें भी होती रहती हैं और कार्य मंत्रालय की बैठक में अगर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आगे आता है या बिजनेस और होता है तो निश्चित रूप से उसकी अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। इसलिए हमारी सरकार की बिल्कुल साफ मनसा है कि गैरसैंण के विकास के लिए और सरकार ने जो जिस तरह से
पूरे उत्तराखंड के जन भावनाओं के अनुरूप बजट बनाने का जो मंतव्य रखा है और जनता से पूछ करके उनकी राय के अनुसार बजट को बनाने की जो कार्रवाई चल रही है उसकी मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अंदर एक ऐतिहासिक बजट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पारित। तो गरिमा जी हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। गरिमा जी, आपने सुना बीजेपी की नेता ने क्या कहा जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी अवधि को लेकर सवाल उठा रही है? देखिए, इन्होंने कहा कि बिजनेस के हिसाब से सत्र चलाया जाता है, तो यही तो हम कह रहे हैं कि राज्य जल रहा है, यहाँ युवा जो है सड़कों पर है, आप अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं दिला पाए, आप किसानों का गन्ना समर्थन मूल्य नहीं घोषित कर पाए, उनकी आय दुगनी नहीं कर पाए, उल्टा अडानी की कर दी, तो बिजनेस तो पैदा किया जाता है, बिजनेस क्रिएट कीजिए ना, कि ये कहने से इतिश्री थोड़ी कर सकते हैं आपके, हमारे पास बिजनेस नहीं है इसलिए हम सत्र नहीं चलाएंगे। कई बार आपकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि विपक्ष बहुत ज्यादा मुद्दे उठाने की चाहत में है, लेकिन दूसरी ओर जब बीजेपी के विधायक, देखिए गरिमा जी, बीजेपी के विधायक किशोर उपाध्याय से भी हमने पूछा, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस के पास मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन है, समझ भी नहीं है मुद्दों की। किशोर उपाध्याय ने कांग्रेस को मुद्दा विहीन पार्टी बता दिया। और ये मैं केवल उपाध्याय जी से इतना पूछना चाहती हूँ कि अगर कांग्रेस मुद्दा विहीन है तो फिर आज राज्य सरकार को जांच पर जांच क्यों बैठानी पड़ रही है? एक तरफ भर्ती धांधलियों में जांच बैठी हुई है, एक तरफ अंकिता भंडारी हत्याकांड में जांच बैठी हुई है, एक तरफ हाकम सिंह पर जांच बैठी है, दूसरी तरफ संजय धारीवाल फरार चल रहे हैं, वहाँ आदित्य कोठारी महामंत्री जो भाजपा का है उस पर जांच बैठी हुई है, तो जांच में जांच ऐसे बैठी हुई है, मुद्दा है ही नहीं प्रदेश के पास। बीजेपी के प्रवक्ता हनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गरिमा जी, हनी जी भी सीधे जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड की जनता आपको सुन रही है। आपने टिप्स पर मुद्दे गिनवाए, ठीक है, आपने टिप्स पर मुद्दे गिनवाए और हमारे साथ हनी जी भी जुड़ चुकी है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। हनी जी, आपने सुना कि गरिमा जी टिप्स पर मुद्दे गिनवा रही हैं कि हमारे पास इतने मुद्दों की लिस्ट है कि अवधि तो कितनी मर्जी कर लीजिए कम पड़ जाएगी, आप इतनी कम अवधि के साथ सत्र क्यों चलाते हैं? बात सारी सुन ली है जी, तेरी बात सुन ली, ये कह रही है कि इस पर जांच बैठी हुई है, उस पर जांच बैठी हुई है, ये जांच बैठी हुई है, वो जांच बैठी हुई है, तो मुझे एक बात का ये वरिष्ठ प्रवक्ता जी ये जवाब दें कि जांच बैठी तो हुई है इनके कार्यकाल में, इनके घोटाले में तो जांच तक करवा रही थी सरकार, जब 194 अधिकारियों को, ग्राम पंचायत अधिकारियों को इन्होंने नियुक्ति पत्र दिया था और फर्जी नियुक्ति पत्र दिया था, फर्जी नियुक्ति पत्र दिया था, और जब भाजपा की सरकार आई थी और भाजपा की सरकार में त्रिवेंद्र रावत जी ने उसका पर्दाफाश किया था, तब भी तो इन्होंने जांच नहीं बिठाई थी। इनके कार्यकाल की वो बात है जब नन्ही परी का रेप घर के बलात्कार हुआ था और हत्या कर दी गई थी, हल्द्वानी का रेप केस का मामला था, एक हफ्ते तक तो पुलिस की जांच तक नहीं करी थी, तो मुझे ये बात बताइए कि जो बात कर रही थी हनी पाठक जी, जो अवधि है सत्र की वो हम पूछ रहे हैं कितनी कम की रखी है, उस पर बात करें वर्तमान परिस्थितियों पर। अरे कैसी बात करती हैं गरिमा तो सोनी जी, अभी तो आपने कहा कि जांच पे जांच बैठ रही है, तो जांच पे जांच इसलिए बैठ रही है ना क्योंकि हम लोग आपके बिछाए हुए दिमाग की जांच बिछा रहे हैं, आपकी तरह से हरदा की तरह से ये कहते नहीं पाए जा रहे हैं कि जिसको जिस विभाग से जितना खाना है खा लो, हम आके बंद कर लेंगे, वो भी आपका एक नाटकीय अंदाज लोगों को देखने को मिला था। मुद्दा विहीन कांग्रेस को लोगों ने हाथ से हाथ जोड़ो का जो चला रहे हैं, लोगों ने आपसे हाथ पूरी तरीके से जोड़ लिया है, आप किस प्रकार का हाथ जुड़वा रही हैं आप? हनी जी, एक बात है गैरसैंण को लेकर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही है कि 2.5 साल से एक दिन भी ढंग से सेशन चलाया कभी, आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी तो घोषित कर दिया लेकिन गैरसैंण का मुद्दा एक भावनात्मक मुद्दा है, लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आपने गैरसैंण के लिए क्या किया? देखिए ऐसा है, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी हम ही ने बनाया है, और दूसरा गैरसैंण को जो इतना सुंदर बनाया है, गैरसैंण में वहां पर सत्र लायक सुविधाएं करवाई है, मुहैया करवाई है, वो हमारी ही सरकार ने कराई है, विपक्ष सिर्फ इस पर राजनीति खेलता चला आया है। अच्छा। और वहां पर सत्र होना भी शुरू हुआ है तो हमारे ही कार्यकाल के दौरान हुआ है, नहीं तो इनके तो लोगों को ठंड वहां बहुत ज्यादा लगती थी। अच्छा। शायद ये भूल गई है, इन्हीं की तरफ से बयान भी आया करता था कि ठंड वहां बहुत है, वहां सत्र शुरू होगा। चलिए मैं अंतिम रिएक्शन आप दोनों को लेना चाहता हूँ इस पर, गरिमा जी आपका अंतिम रिएक्शन। नहीं नहीं देखिए, आज प्रदेश के जो हालात हैं बद से बदतर हैं, मुझे लगता है धामी जी का जाना निश्चित है, फिर ये 2017 से 22 की बात का था,
नहीं नहीं पटकथा ये रिपीट होगी। अच्छा। कोश्यारी जी आज देहरादून पहुंच रहे हैं, हनी पाठक जी उनकी ज्यादा चिंता करें क्योंकि समस्त भाजपा के पेट में मरोड़ कोश्यारी जी से आप लोगों को हो रही है मैडम चिंता। आप लोगों को हो रही है कि कोश्यारी जी यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? सबसे ज्यादा पेट में दर्द आप लोगों को हो रहा है कि कोश्यारी जी यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? हमें तो कोई चिंता नहीं, हमारे नेता थोड़ी है जिन्होंने संविधान की हत्या करी, लोकतंत्र की हत्या करी, माफीनामा लिख के भेजा। मुद्दे से आप दोनों भटक गए, वो खबर हमने पहले दिखाई, कोश्यारी जी आए, लेकिन मुद्दे से आप दोनों ही भटक गए। यही हमारी सियासत में कई बार मैं कमी कहता हूँ कि हम किसी पर बात करते हैं और आप कहीं पर चले जाते हैं। खैर, मेरे पास समय की कमी भी है, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर से हम चर्चा करते रहेंगे इस मसले पर, लेकिन जाहिर तौर पर मुद्दे जनता के जरूर उठने चाहिए। अगर विपक्ष चाहता है तो सेशन सरकार बड़ा कर सकती है तो करे, अगर सेशन इतना ही है और इसमें बिजनेस हो सकता है, काम हो सकता है, तो इतना सेशन भी चलता है। सियासत है और सियासत चलती रहती है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, आप तक जानकारी पहुंचाते हम रहेंगे।